हेलो नीट कैंडिडेट्स, झारखंड स्टेट के लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज के सेकेंड राउंड का शेड्यूल आ चुका है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड की रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 19 अगस्त। मेरिट लिस्ट आएगी 21 अगस्त को। फिर इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक दिया गया है। इसका जो रिज़ल्ट है वो 31 अगस्त आएगा। साथ ही सीट अलॉटमेंट लेटर की डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन, इन सभी के लिए आपको टाइम दिया गया है 31 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक। इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है या एप्लीकेशन फ़ी वो 500 रुपीज़ है और काउंसलिंग फ़ी है 1000। बता दें कि इसमें झारखंड स्टेट के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फ़ी उसके लिए सेम रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ और जो काउंसलिंग फ़ी है वो 1000 रहेगी। और लेकिन जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं जो कि झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 250 रुपीज़ और काउंसलिंग फ़ी है 500। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप वो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हो या किसी अदर स्टेट से, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपीज़ है एंड काउंसलिंग फ़ी 500 है। जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, चाहे वो झारखंड स्टेट के हैं या किसी और अदर स्टेट से, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी कुछ नहीं है, कुछ पे नहीं करना है, लेकिन काउंसलिंग फ़ी 500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काउंसलिंग में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना होता है, तो अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, अगर हम MBBS कॉलेज की बात कर रहे हैं तो आपको 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होगा और BDS कॉलेज के लिए 1 लाख का। अगर आप दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस के लिए करते हैं तो सेम ही रहेगा, मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख एंड डेंटल के लिए 1 लाख। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।